फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज 12 डे टेबल लर्न चैलेंज का हमारा ये फोर्थ डे है। आज हम करेंगे 8 और 9 की टेबल। टेबल लर्न करवाना हर पेरेंट्स और टीचर का एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बच्चे को याद करवाना। टेबल लर्न करने के बाद बच्चा मैथ की कैलकुलेशन मिनटों में कर देते हैं, पर टेबल लर्न करने के लिए आप बच्चे पर कोई दबाव मत बनाइए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर बच्चे को टेबल नहीं आती तो वो मैथ नहीं कर पाएगा। वो मैथ कर पाएंगे, बट जो उनकी एक स्पीड होगी वो थोड़ी स्लो होगी। इसलिए हमारा मोटिव है बच्चे को एक ही दिन में प्रेशर न डालकर डेली उसे टेबल की प्रैक्टिस करवाने का। ये कोई वन डे प्रोसेस नहीं है, आप इसे डेली करवाइए। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ रेगुलरिटी बेस पर करते हैं तभी हम उसे अच्छा कर पाते हैं। फ्रेंड्स, आप टेबल करवाते वक्त बच्चे को बीच बीच में रैंडमली टेबल सुनिए। आज इस वीडियो में हम बच्चे से ऐसे ही सुनने वाले हैं रैंडम टेबल। रैंडम टेबल का मतलब है बीच बीच में बच्चे से टेबल सुनना। लाइक दिस, 2 4 जा, 3 8 जा, 5 9 जा। अगर बच्चा एकदम से इनका जवाब दे पाता है तो इसका मतलब है बच्चे की तैयारी है। अगर नहीं कर पाते तो आप डेली प्रैक्टिस करवाइए। फ्रेंड्स, अगर बच्चे ने टेबल लर्न कर ली है उसके बाद भी आप लोगों के लिए टास्क कम नहीं होता। आप उसे रेगुलरिटी बेस पर दिन में एक बार जरूर रिपीट करवाइए ताकि उनका एक फ्लो बना रहे, बच्चा एक टच में रहे। जब हम किसी चीज़ के टच में रहते हैं तो हम चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं। हमें केवल एग्ज़ाम में जाकर ही बच्चे पर प्रेशर नहीं बनाना है, हमें स्टार्टिंग से ही बच्चे को टेबल लर्न करवानी है। उसके ऊपर एक ही दिन में कोई भी दबाव मत बनाइए, हम धीरे धीरे उसे करवाइए। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, देखिए बच्चों ने कैसे टेबल सुनाई है। और ये अब बच्चों से पूछते हैं, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं टेबल लर्न करते हुए या नहीं कर रहे हैं, देखिए पूछते हैं वन बाय वन करके एक एक स्टूडेंट से। यस बेटा, आप एंजॉय कर रहे हो टेबल लर्न करते हुए? टेबल लर्न करना अच्छा लग रहा है आपको? बोलिए यस या नो। यस। वेरी गुड। सार्थक, आर यू एंजॉयिंग? एंड सात्विक, कैसा फील कर रहे हो टेबल लर्न करना?
ग्रुप में अच्छा लग रहा है, अकेले अकेले लर्न करते हो वो अच्छा लगता है? वेरी गुड, इससे बच्चे अपने ग्रुप में लर्न करना भी सीख जाएंगे। यस डेजल, यस अरायना, आर यू एंजॉय? सिर्फ एंजॉय कर रहे हो या कुछ सीख भी रहे हो? यस सीख, यस नमन, इट इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। यस बेटा पार्थ, यस वेरी गुड। यस बेटा देवी, वेरी 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 गुड। व्हाट वेरी वेरी गुड? आप टेबल रन करने में आपको एंजॉय आ रहा है? यस मैम। एंड लव, एंजॉय कर रहे हो? यस। चलो थोड़ा और एंजॉय करते हैं। अब मैं आप सब लोगों से डॉटिंग टेबल सुनती हूँ, फटाफट से मुझे जवाब दीजिए। टू फोर जा, थ्री एट जा, थ्री एट जा, फोर फोर जा, फाइव नाइन जा, सिक्स थ्री जा, सेवन सेवन जा, एट टू जा, थ्री टू जा, फोर एट जा, हेलो फ्रेंड्स, देखिए बच्चों ने कैसे डॉटिंग टेबल करते हुए यार एक जिसे हम बोल सकते हैं रैंडम टेबल करते हुए कितनी मिस्टेक की है। कई बच्चों ने अच्छे अच्छे आंसर भी दिए हैं बट कईयों ने बहुत मिस्टेक किए हैं। बट जब हम लास्ट 12 डेज पर पहुंच जाएंगे तो आप बच्चों का रिजल्ट देखिए आज के कंपेयर में, और 12 डेज में जो रिपीटेशन करने से जो बच्चे में चेंजेस आएंगे। आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल पर हमारे साथ बने रही। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर पहले से ही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करें, ड्राइंग कैसे बनाएं, हाउ टू टीच अ स्टूडेंट, हाउ टू मोटिवेट अ स्टूडेंट, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।